बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली अभी अभी एक रिक्रूटमेंट जारी करा है वो है आपका जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल टू पोस्ट के लिए तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इसी पर्टिकुलर वैकेंसी या रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊँगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है चाहे वो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हो चाहे वो एज एलिजिबिलिटी हो क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा साथ ही साथ लास्ट डेट कब की है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिक्रूटमेंट है आपकी जनरलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए यह एक स्केल टू की पोस्ट है तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो टोटल 150 पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज़ हुई है अगर मैं डेट्स की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना जो शुरू हो चुका है वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वो आज से है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च से लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो सिक्स ऑफ अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एंड एज एलिजिबिलिटी को लेकर तो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को लेकर तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके बारे में एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एज 25 फाइव रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 35 जी हाँ दोस्तों मिनिमम इज़ ट्वेंटी मैक्सिमम इज़ 35 तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर इसके अलावा मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो रिजर्व कैटेगरी को जैसे कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट वैकेंसी में रिलैक्सेशन दिया जाता है वही इसमें भी दे रखा है ओबीसी को आपका तीन साल एससी एसटी को पाँच साल और पीडब्ल्यूबीडी डब्ल्यू बी डी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट हैं उनको दस साल की रिलैक्सेशन है अब अगर मैं बात करूँ आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत सिंपल है सबसे पहली चीज़ दे ओनली नीड ग्रेजुएट ठीक है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट मैं उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स कर रखी है या पीएचडी कर रखी है डजेंट मैटर वो एडिशनल थिंग है बट द मिनिमम इज़ ग्रेजुएशन विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स इसके अलावा जो स्टूडेंट आपके एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं या पी डब्ल्यू बी डी से हैं उनको फिफ्टी फाइव परसेंट अगर उनकी है ग्रेजुएशन में तो दे कैन ऑल्सो फिल अप दिस फॉर्म तो ये है आपका बहुत छोटा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक और चीज़ सी ए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ मैंशन करी है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को अगर एक्सपीरियंस है तीन साल का किसी बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी दे आर प्रेफरेबल तो अगर आप लोगों में से किसी को है एक्सपीरियंस तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट नो प्रॉब्लम विद दैट अब मैं बात कर लेता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की कि कितने स्टेप्स में सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या क्या प्रोसेस है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों सबसे पहले आपको देना होगा ऑनलाइन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव होगा 150 नंबर का होगा उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होने वाला है तो आपको ये मोड ऑफ सिलेक्शन याद रखना है कि एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव ठीक है दूसरा यह है कि उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है लास्ट में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि, कि किस पैटर्न में आपसे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपने करी है उससे रिलेटेड तो 150 नंबर का पेपर इसका आपका होगा अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है सैलरी है आपकी 48,170 रुपीस। ये आपके बेसिक है इसके अलावा आपका जो भी एच होता है और डी होता है वो तो आपको मिलेगा ही इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है ये बहुत क्रिस्प और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ में चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे मैंने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन uh, का पी जो है उसका लिंक डाल दिया है अब वहाँ से जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हो और डिटेल में देख सकते हो Thank you guys.